लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनाल खान। पीछे से ट्रक में घुसी कार, एक की मौत हुई, महिला सहित तीन बच्चे घायल हुए। थाना मक्खनपुर क्षेत्र हाईवे रोड की है घटना। एक ही परिवार के हैं सभी घायल व मृतक व्यक्ति। गांव से पिताजी को देखकर वापस नोएडा जा रहा था परिवार। घायलों के परिजनों को दे दी गई है सूचना। फिरोजाबाद जिला मऊ के थाना मधुबन क्षेत्र आदमपुर निवासी 45 वर्षीय राजेश पुत्र कर्मू चौहान अपनी पत्नी 32 वर्षीय पूनम व 13 वर्षीय बेटे दिव्यांश, 12 वर्षीय अक्षत, 10 वर्षीय प्रियांशु के संग लीवा गाड़ी से नोएडा के लिए निकले थे। बताया गया कि नोएडा में ही रहते हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व गांव में पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें देखने परिवार सहित निकले थे। वहां से लौटकर नोएडा के लिए जा रहे थे। जैसे ही मक्खनपुर के पास पहुंचे तभी उनकी गाड़ी आज सुबह एक ट्रक में पीछे से घुस गई। इस सड़क हादसे में राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी व बच्चे घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल लाया गया। यहां शव को विच्छेदन गृह में रखवाया गया। घायलों का सरकारी ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक घायलों के परिजन नहीं आए थे और ना ही पत्नी को ये पता था कि उसके पति की हादसे में मौत हो गई है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मऊ से नोएडा जा रहे थे। कौन कौन था आपके साथ? पूरी फैमिली थे। किससे थे आप? कार से थे। कार से थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ कुछ पता है? मुझे याद नहीं है, साथ में सो गए थे। सो गए। क्या नाम आप? संजय चौहान। संजय जी, ये वो आज एक्सीडेंट हुआ है, उस व्यक्ति को कौन लगते हो आप? ये हमारे बुआ के लड़के हैं। क्या मामला रहा था? और गांव से आ रहे थे, बीच में अब ट्रक के एक्सीडेंट हो गया। कहां से कहां जा रहे थे? ये मऊ से आ रहे थे, ये मधुबन से नोएडा के लिए आ रहे थे। क्या नाम था इनका? राजेश चौहान है, हमारे बुआ के लड़के। कितने लोग थे ये सब? ये उनका पूरा फैमिली था, एक उनकी बेबी है और तीन बच्चे थे। अब क्या रहा है उनका? अब तो डेथ हो गई।